नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन दिल्ली सर्किल ने आज के SBI पेंशन मैटर केस के बारे में, जो दिल्ली हाई कोर्ट में शेड्यूल था, उसके बारे में मैसेज दिया है। हर्टियस कंग्रेचुलेशंस, जस्टिस डिलेज बट नॉट डिनाइड। दिल्ली हाई कोर्ट 7 नवंबर 2023 एंड केस नंबर 8095 एंड 9679 ऑफ 2060, GOP वर्सेस SBI एंड 1875/2013 AFS BIPA वर्सेस SBI, RBI एंड यूनियन ऑफ इंडिया। DFS अपॉइंटेड कमेटी हैज प्लेस्ड द रिपोर्ट एंड हैज एडमिटेड दैट एन एनोमली वॉज कमिटेड बाई इंट्रोड्यूसिंग 40% एंड हैज डायरेक्टेड द SBI to amend the regulation to bring parity. SBI has submitted the regulation to the DFS for approval. Court to be informed about the compliance and next date of hearing 21st January 24. Detailed order and DFS order shall be shared later on. Congratulations to all and thanks for the support in our struggle. Unitedly we fought. Friends, इस बारे में द क्वांटम ऑफ इंक्रीज इन देयर पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ रीअलाइनमेंट ऑफ पेंशन टू 50%, वी आर हैप्पी दैट आवर टीम लेड बाई प्रेसिडेंट श्री ML खांडेलवाल प्रेसिडेंट वर्कड हार्ड एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑफ लाइकली मंथली इंक्रीज फॉर द पेंशनर रिटायर्ड ड्रॉइंग पेंशन अंडर वेरियस बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स पीरियड बिगनिंग फ्रॉम 6 बाइपार्टाइट टू 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट दैट इज बिटवीन 1 July 1993 टिल डेट The likely increase in monthly pension to various categories of the officers retired under different bipartite settlements scales are detailed in under noted table. और जो table का chart दिया गया है वो आपके perusal के लिए मैं link दूंगा, उस link से आप देख सकते हैं। और इसमें दो तरह के chart हैं, उस chart का link मैं आपको दे रहा हूँ, उस chart के जरिए आप accordingly उसको देख सकते हैं। अगर इस संबंध में और भी कोई डिटेल्स आते हैं तो मैं आपको शेयर करूंगा। थैंक यू, नमस्कार।